Well, a picture that is now coming in and quite interesting to see exactly if it may lead to anything or not. But so far, the details that are now coming in of a Shinde Sena leader meeting actor Govinda, and a picture that has also been shared over the same. But does it mean anything? That is yet to be known. But as far as CM Shinde camp leader Krishna Hegde meeting Govinda last evening, as far as the campaigning is concerned, Rakesh, iske baare mein koi jankari de sakte hai, kya Govinda shayad campaign karne ke liye shamil honge kya? देखिए ये जो तस्वीर है इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जब पिछले हफ्ते ये खबरें सामने आई थी कि गोविंदा ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी से। और इसी के बीच में जब शिवसेना पार्टी के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े की जुहू स्थित जो बंगला है गोविंदा का, वहां पर जब भी मुलाकात होती है उसकी तस्वीर सामने आती है तो ये जो अटकलें हैं ये और ज्यादा तेज हो जाती है। हालांकि उत्तर पश्चिम जो सीट है मुंबई की, वहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से गजानन के बेटे अमोल क्रिटिकल के नाम का ऐलान किया जा चुका है। और वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि इस सीट पर एकनाथ शिंदे जो है किसी पॉपुलर फेस को जो है तलाश रहे हैं। ऐसे में एक मराठी अभिनेत्री हैं जो मराठी है लेकिन वो बॉलीवुड में काफी बड़ी अभिनेत्री हैं, उनके नाम की भी चर्चा इससे पहले चल रही थी माधुरी दीक्षित की, और अब जो है गोविंदा के नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि जब आज महायुति की तरफ से जब इस सीट का ऐलान किया जाता है मुंबई नॉर्थ वेस्ट का, तो अगर ये सीट एकनाथ शिंदे को मिलती है तो क्या उस पर गोविंदा का जो है नाम का ऐलान होगा नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल चुनावी हलचल जो है वो इस तस्वीर के सामने आने के बाद काफी ज्यादा तेज होती है। काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहां तक अगर नेता और अभिनेता जो सामने एक स्टेज पे आते हुए वो काफी बार दफा देखा गया, और इलेक्शन कैंपेन करने में भी हमने देखा है कि काफी अभिनेता साथ में जुड़ भी जाते हैं पॉलिटिकल कैंपेन में। धन्यवाद आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स